रिजर्व पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में सोमवार को कैंपियरगंज सर्किल क्षेत्र के सैन्य दस्ते को कराए जा रहे 3 दिवसीय कैप्सूल कोर्स का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के तीसरे और समापन के दिन एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, महिला एनजीओ और जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा सैन्य दस्ते को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी और एनजीओ की संचालिका द्वारा महिला अपराध, बाल संरक्षण, एंटी रोमियो सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से सैन्य दस्ते को प्रशिक्षण दिया गया, जिससे वह समाज में बेहतर तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। प्रशिक्षण के दौरान सैन्य दस्ता ट्रेनिंग कमांडर संतोष यादव और जिला प्रोबेशन अधिकारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा, अगर कोई शख्स या व्यक्ति किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म करता है, कुकर्म करता है और साथ ही साथ उसको गंभीर चोट भी पहुंचाता है तो 501 की धारा 6 के तहत आएगा और ऐसे मामले में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। अपराध करता है तो उसमें दंड का प्रावधान बढ़ जाता है 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? उनके साथ छेड़खानी करता है, गुप्तांग में आ गया, यौन द्वार हो गया, गुदा द्वार हो गया, उसके धारा 8 में किया गया है। धारा 8 में 5 साल से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। 7 में क्या है? परिभाषा दी गई है उस अपराध की, और 8 में क्या है? सजा का प्रावधान किया गया है। 7 गलत नियत से छूटा है, गलत हरकत करने का प्रयास करता है या उसे पोर्नोग्राफी दिखाता है, 3 चीजें हैं इसमें। तो हो गया है, अभी भी थाने में जाएंगे तो बहुत जानकारी रहती है, लेकिन एक जो स्पष्टता वाली बात है, कहीं कहीं लोग थोड़ा अस्पष्ट रहते हैं और ये चीज़ें को बहुत क्लियर लोग करती रही हैं। समय समय हर महीने लगभग यहाँ पर एक जितने हमारे ये सब इंस्पेक्टर साहबान हैं जो एसटी से संबंधित विवेचना करते हैं, उसके संबंध में हर महीने मासिक गोष्ठी भी होती है, योजनाओं का हर महीने समीक्षा भी होता है और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश है माननीय सुप्रीम उच्चतम न्यायालय से कि पॉक्सो एक्ट की योजनाओं को वैधता दिया जाए, समय पर तरीके से उसका निस्तारण हो। अगर ये योजनाओं की कमी हो तो जनपद स्तर पर ये योजनाओं की संख्या बढ़ाई जाए, जब विचारण चलता है कि समय से विचारण हो जाए तो अतिरिक्त कोर्ट बनाए जाए। तो पॉक्सो एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण ये सब्जेक्ट है, विषय है, उसको आप लोग अभी आप लोग विवेचना नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके बारे में बारीकियों के बारे में जानना इसका सबसे जरूरी है, क्योंकि आप अपने सुझाव में आ गए हैं तो पॉक्सो है क्या, जो इसके बारे में आप जानेंगे तभी आप उसके प्रति संवेदनशील भी हो पाएंगे। जितनी बातें डॉक्टर साहब ने बताया क्या समझ में आया, अगर मोटा मोटी बताया जाए, एक आम भाषा में अगर आम तरीके से बताया जाए, पॉक्सो एक्ट में जितने भी प्रावधान किए गए हैं, पॉक्सो नाम सुनते ही डरना है लोगों को, डर आए, डर इस बात का आया कि मतलब कि ऐसा कुछ करेंगे तो हमारे साथ क्या होते है? वो अपना जो जीवन है चौपट करने वाले हैं, बहुत सख्त प्रावधान बनाए गए, संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने और अग्रिम कार्रवाई करने की व्यवस्था है। तो इस प्रकार से अगर कोई महिला जो थाने पर जाने से रुकती है वो इस सेंटर के माध्यम से आ करके अपने प्रार्थना पत्र दे करके अपने एफआईआर संबंधित के विरुद्ध दर्ज करा सकती है। तो इन सब व्यवस्थाओं की उस पर संचालन हो रहा है और आप लोग भी आगे चल करके इस चीज़ों से रूबरू होगी बाहरी तौर पर और अपना भी अच्छा सहयोग देंगी महिलाओं के और बच्चों के जो किसी भी प्रणाली हैं उनके सहयोग में। इसी प्रकार से अभी मैडम ने एक योजनाओं की जो आर्थिक रूप से सहयोग की बात किया की है तो उसमें भी एक योजना जो कि विरासत महिला पेंशन की बात किया की है ये संचालित है हमारे विभाग से, जिसमें कि महिलाओं को जो ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति की मृत्यु हो गई है और कोई सहारा नहीं है उनके लिए भी 500 रुपये प्रति माह की अनुदान राशि विभाग द्वारा दी जाती है। इसके बताने के पीछे का मकसद
आशा मेरा यही है कि आप लोग जब फील्ड में जाएंगे तो बहुत से ऐसे भी केसेज आते हैं कि आप कोई महिला निराश्रित है, अकेली है, उसके बच्चे हैं। मैडम ने कहा ना कि कभी आज व्हाट्सएप पे मैडम का जो मैसेज देखा, जो मैडम काफ़ी कुछ किया और मैंने सामाजिक भी किया, तो वह ऐसी भी स्थिति आती है कि उनके बच्चे हैं, लड़का है, उसकी पत्नी है और बच्चे हैं, लेकिन कोई सहारा नहीं मिलता। हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको परेशान होना पड़ता है महिला को। तो ऐसी स्थितियों में वो 500 रुपये उनके लिए बहुत बड़ी धनराशि हो जाती है, उनकी अपनी दिनचर्या की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं पूर्ति के लिए। तो इस तरह की अगर महिलाएँ कोई आपके सामने अगर गुजरती है, संपर्क में आती है, तो आप उनको इस योजना के बारे में बता सकती हैं, और अगर ज़रूरत है तो उनको संबंधित विभाग के हमारे बारे में बता सकती है, हमेशा सेंटर के बारे में बता सकती है, वहाँ से बता करके सूचित कर सकती है। या अगर आप अगर सक्षम है तो नोट कर लीजिए, तो डायरेक्टली आप इस योजना के बारे में उनको जरूर डिटेल में जानकारी दे सकती हैं। अगर अगर बात की जाए इस राशि महिला पेंशन की, तो इस पेंशन के माध्यम से जो आवेदन का तरीका होता है वो सिंपल है, अब आजकल ऑनलाइन के माध्यम से होता है, और उसमें एक हमारी वेबसाइट होती है SSPY.UP.in। हालांकि आपको बहुत जानने की इसमें मतलब याद करनी होती है, और आप ये भी बता दीजिए कि आप महिला बता दीजिए कि आप इस सेवा केंद्र पर चले जाइए, आप उससे कह दीजिए कि हमें निराश्रित महिला पेंशन या विधवा पेंशन का फॉर्म भर दीजिए। तो अब आज की डेट में सबको पता है, सभी जितने भी सहायक सेवा केंद्र कंप्यूटर ऑपरेटर भी फॉर्म भर रहे हैं वो सब जानते हैं, वहाँ पर जाएंगे, सिंपल डॉक्यूमेंट्स करता है जिसकी आप लोग भी जानती हैं, आय प्रमाण पत्र फोटो लगेगा, क्योंकि पैसे का वित्तीय सहायता अनुदान जो बैंक खाता लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, और निराश्रित महिला है इसका मतलब पति नहीं है, तो उस पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र, ये 5 चीज़ें हैं, मोबाइल नंबर लगता है, 6 चीज़ें, ये 6 चीज़ें सिंपली उसको लेकर के जाना है, और जाकर के वो सात जन सेवा केंद्र या तो किसी कंप्यूटर ऑपरेटर जो भी फॉर्म भरते हैं, काम खोले रहते हैं कस्बों में या चौराहे पे, उनके माध्यम से आवेदन कर देगी, तो अपना उसके बाद नियमित प्रोसेस के तहत समयबद्ध अंतराल के बाद वो फिर स्वीकृत हो जाता है और नियमित रूप से खाते में 500 रुपये आने लगता है। ग्राउंड लेवल पर जब जाएंगी तो तमाम चीज़ें आती हैं सामने, इसमें आपको लगता है कि अरे इसमें मैं कैसे इसकी सहायता करूँ, तो ये सब चीज़ें जानना जरूरी होता है, क्योंकि आप ऐसे सेवा पर काम करेंगे जो कि आपको ग्राउंड लेवल पे गांव में जा करके ऐसे लोगों से समस्याओं का सामना करने के आपको आगे कि आप मिले, वो महिला नहीं जानती है कि आप पुलिस विभाग से हैं और आपसे संबंधित नहीं है, वो तो आपको तुरंत आपको पूरी समस्या आपके सामने रख देगी। अगर आप कुछ अगर इस तरह कहें कि हमारे डिपार्टमेंट से नहीं है, आप इतना पता करते हैं फला से बात करिए, तो उसको फिर निगेटिविटी जाती है, उसके मन में लगता है कि अरे सरकार सहयोग नहीं करना चाहती। ये श्रेणी दस्ता को इनके कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई। आज ये कंपियरगंज सर्किल के महिला पुलिसकर्मी आज यहाँ उपस्थित थी। आज ये 5वां सर्किल का ये 3रा और अंतिम दिन है। कोतवाली सर्किल, सबसे पहले कैंट सर्किल, कोतवाली सर्किल, फिर गोरखनाथ सर्किल, फिर चौरी चौरा सर्किल, आज कंपियरगंज सर्किल का प्रशिक्षण चल रहा था। और ये प्रशिक्षण का सत्र आज हम लोगों का ये था NGO से बातचीत एवं उनसे चर्चा करना, किस तरह से एक महिला एनजीओ किस तरह से इनके काम आएंगे, महिला एनजीओ का काम क्या है, एक दूसरे से कैसे सहायता मिल सकती है, इनके काम में महिला एनजीओ का क्या योगदान हो सकता है, महिला एनजीओ की तरफ से मैडम श्रीमती संगीता प्रकाश त्रिपाठी मैडम उपस्थित हैं जो यहाँ फैमिली कोर्ट में काउंसलर हैं और एनजीओ से संबंधित हैं ही, और हमारे यहाँ जिले के डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर श्री सरजीत सिंह साहब भी हैं, इन्होंने भी अपने विभाग के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया। हमारी जो श्रेणी दस्ता के आज प्रशिक्षण में यहाँ उपस्थित थे महिला कर्मी, प्रमुख रूप से इनको किन किन बिंदुओं पर खासतौर से प्रशिक्षण दिया गया? इनको सभी बिंदुओं का, 3 दिन का इनका ये कोर्स निर्धारित किया गया है, और इसमें मार्शल आर्ट तक भी बताया गया है, पॉक्सो एक्ट के बारे में, STU के बारे में, जो भी चीज़ें खास तौर से मतलब महत्वपूर्ण समझा गया है, इनको करना क्या है, इनका कार्य क्या है, श्रेणी दस्ता का को कैसे अपने कार्यों को अंजाम देना है, इनका मनोबल बढ़ाया गया,
इनको कानून के बारे में बारीक से बारीक बातों के बारे में बताया गया, जो इनको अपना काम कार्य संपादित करने में सहायक हो सकें।